सीकर की खाटू श्याम जी से खबर है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने बाबा के दरबार में शीश नवाया है। बाबा श्याम के दरबार में राज्यपाल ने लगाई हाजरी, देश प्रदेश में खुशहाली की कामना की। मंदिर कमेटी ने श्याम दुपट्टे से सम्मान किया। तो ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार में हाजिरी लगाने के लिए राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे और इस दौरान उनका स्वागत भी किया गया। जो वो दर्शन करने के लिए पहुंचे तो दर्शन करने के बाद श्याम दुपट्टे से सम्मान राज्यपाल कलराज मिश्र का किया गया, जिनकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना भी करवाई गई। बाबा श्याम का मेला प्रारंभ होने वाला है, प्रतिवर्ष होता है, लाखों लोग दर्शन करते हैं और यहाँ व्यवस्था बड़ी अनुरूप रहती है। व्यवस्थित तौर पर मेला संपन्न हो, बाबा का लोग दर्शन कर सके, यह मेरी शुभकामना है। और हमारे सहयोगी विद्याधर जुड़ गए हैं, स्थानीय संवाददाता। विद्याधर, आज राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे, इसके अलावा मेला भी अब शुरू होने वाला है। जी मेघा, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाबा श्याम का 10 दिवसीय वार्षिक लक्की मेला कल से प्रारंभ हो रहा है। उससे पहले राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र बाबा श्याम के दरबार पहुंचे और उन्होंने बाबा श्याम की चौखट पे पूजा अर्चना कर देश एवं प्रदेश में खुशहाली की मंगल कामना की। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आने वाले श्याम भक्त एक अच्छी अनुभूति लेकर दर्शन करके वापस लौटे और श्याम मंदिर कमेटी की जो व्यवस्थाएं हैं बड़ी अति सुंदर बताई। जी मेरा तो राज्यपाल लौट चुके हैं और दर्शन के बाद वापस सीकर के लिए रवाना अभी हो गए हैं। मेगा जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विद्याधर जानकारी के लिए।